व्हाट्स अप गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको वही ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ PNG क्रिएट करने का, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि मैं रात को ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक पे, और मुझे वहाँ एक पोस्ट दिखा जिसमें सेम एडिटिंग की गई थी, और उस पर एडमिन का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया था जिसने उस फोटो को पोस्ट किया था। सो मैंने सोचा कि उन्हें इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूं, और इसमें हम PNG क्रिएट करेंगे ये रादर देन कॉपिंग और डाउनलोडिंग इट फ्रॉम समवेयर। सबसे पहले हमें फ़ोन को कहीं नीचे रख देना है ताकि ये ब्लैक हो जाए स्क्रीन, और उसके बाद बस एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है इसकी, और बस यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया इससे। और उसके बाद फिर खोलना है हमें फ़ोटो को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे बस यहाँ ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जाके, जैसा कि चलिए चलते हैं ड्रॉ वाले ऑप्शन पे अब। और ये रहा ड्रॉ वाला ऑप्शन, आपको सामने दिख रहा होगा लेंस फ्लेयर के बगल में। सो बस यहाँ पे आपको शेप्स में जाना है, और शेप्स में जाने के बाद आप यहाँ मुझे रेक्टेंगल चाहिए या स्क्वायर, सो मैं उसी हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ तो रेक्टेंगल चाहिए, और बस इसे यहाँ एडजस्ट कर देना है। यहाँ बन गया हमारा PNG, और अब इस फ़ोटो को खोल लेना है हमें हमारे स्नैपसीड एप्लीकेशन में, और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे जाना है, और यहाँ वही वाली फ़ोटो जो हमने पीछे PNG बनाई थी उसे ऐड कर देनी है। और बस यहाँ पे ये ऐड होने के बाद थोड़ी एडजस्टमेंट लगेगी, बस इसमें एडजस्टमेंट का थोड़ा हमें ध्यान देना है ताकि ये अच्छी लगे, और बस इतना ही काम है यहाँ पे। इसे हमें बिल्कुल सही तरीके से लगा देना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे, और इसके बाद हमें लाइटन कर लेना है इसी फ़ोटो को, और बस इसके बाद ब्लैक एंड वाइट हम अगर करेंगे तो वो देखने में अच्छी लगे। आप देख सकते हैं कि अभी भी पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है हमारी, अभी इसे इरेज करना बचा हुआ, मैं इसे करूँगा ब्लैक एंड वाइट। सो न्यूट्रल रखूँगा इसे ताकि ये सही लगे थोड़ा देखने में, और इसके बाद हमें आना है व्यू एडिट्स वाले ऑप्शन पे, और सबसे पहले डबल एक्सपोजर वाले पे जाना है। सो हमें सबसे पहले यहाँ लाना होगा ये फ्रेम, और इसमें से इरेज भी करना होगा थोड़ा थोड़ा, बस इरेजिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है ताकि भी थोड़ा भी आगे पीछे ना हो जाए, ताकि ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर अब देख सकते हैं मुझे यहाँ फिर से करना पड़ा था ये, क्योंकि मैंने पूरा ही हटा दिया था ऊपर का जो वो था। सो वही सब बस ध्यान रखना है हमें इसमें, और कुछ भी नहीं है ये आप देख सकते हो टेल की, यहाँ थोड़ी सी डिटेलिंग जो अच्छी लगे देखने में, और इसके बाद यही सब ध्यान में रख के चलना है हमें। और यहाँ आप देख सकते हैं ये थोड़ी सही हो गई, और बस ऊपर आप देख सकते हो इसकी बीक के पास और बॉडी के पास जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। सो अब हमें आना है ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन पे जो हमने अप्लाई करके रखा था, और इसके बाद बस यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन हमें फ्रेम के बाहर अप्लाई कर देना है, और फ्रेम से इरेज कर देना है। देख सकते हैं आप यहाँ मैं ब्लैक एंड वाइट को ज़ीरो किया है मैंने। सो बस यहाँ पे इतना ही काम था हमारा। चलिए इसको मैं करता हूँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड। बस सही से ब्लैक एंड वाइट एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 4x की स्पीड की है, बट फिर भी ये स्लो ही है क्योंकि ये मेरे हाथ स्लो काम कर रहे थे भाई, ठंड का मौसम आ गया है। सो यहाँ आप देख सकते हो, और इसके बाद बस हमें इमेज को क्रॉप कर लेना है अब नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ तक हमारा सब चीज़ कंप्लीट हो गया, और ये मैं आया क्रॉप के ऑप्शन पे, और यहाँ से मैंने अपने हिसाब से क्रॉप किया था जो मुझे अच्छा लगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलते हैं हमारे फाइनल इमेज की तरफ जो देखने में कुछ इस टाइप की बहुत ही क्रिएटिव अमेजिंग लगेगी। सो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो। थैंक यू।